फिर करके छोड़ देंगे। वाह कोहरा कोहरा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी ये देखिए सकलेशपुर की पहली सुबह, इतना प्यारा व्यू था जबकि हम लेट से उठे थे, लेकिन बाहर पूरा कोहरा छाया हुआ था और अगर थोड़ा और पहले उठते तो ये तो पूरा भरा ही रहता, ढका रहता कोहरे से। और ये जो है ना सकलेशपुर एक बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा नहीं है और पूरा ये ग्रीनरी और वाटर बॉडी से भरा हुआ है। तो अभी जैसे हम लोग उठे हैं और यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं सभी, और फवाज तो सोया हुआ है, उसे तो मैं बस चिल्ला कर उठा रही थी। साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम कहाँ निकलेंगे। तो जो नियर बाई पड़ता है वो है मंजराबाद फोर्ट, जो कि बस कुछ मिनटों की डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले हम वहीं निकलेंगे। सुबह के अभी यहाँ पे होटल में हम लोग 8:30 बजे उठ चुके हैं और बाहर का नज़ारा बड़ा प्यारा है। वसी क्या करके आया तुम बाहर से? वसी आया, मिल माल के आया, सलाम दुआ भी कर लिया, इसे कोई मिल गया हमारे कोई मुस्लिम शॉपकीपर, उनसे मिल माल कर आया है। कैसा है वसी बाहर सामान? अच्छा अच्छा मिल रहा है खाने पीने का? हम तो यही बगल में अभी गए, नीचे होटल है जिस रूम पे हम लोग रुके हुए हैं उसके नीचे जस्ट होटल है, वहाँ सब ठीक है। तैयार भी हो गई जल्दी? नहीं नहीं चाहे तुम हटो यार। हम लोग जा रहे हैं मंजीरा मंजराबाद फोर्ट, आधे रास्ते में हम लोग टोए हो गए, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को पछड़ने में, वी आर नॉट यूज्ड टू, दूर हो। शानिया अपनी बहनों को ले जाएगा, शानिया तू कैसे करके हाथ में ले जाएगा? हाँ शानिया चल कहीं भी ले जा, दोनों बहन को उठा तो कम से कम। हाँ यस पलट घूमने yeah. अपनी रही बहादुर बच्ची। अभी हम लोग आ गए हैं मंजरा फोर्ट में और ये ना एक्चुअली अगर आप ऊपर से देखें टॉप से तो पूरा स्टार शेप का दिखता है, और बाकी इसकी जो हिस्ट्री है वो उतना ज़्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया डिटेल में, नीचे कुछ था। और टिकट भी जो है वो फ्री है, एंट्री फी कुछ भी नहीं है इसका, तो बस आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं। और लोग जो है इसी व्यू को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे खुशबू, इतनी गर्मी है कि खुशबू यहाँ पे बाल को ठीक कर ही संवार रही है, पीछे बैक साइड में सब फोटो क्लिक्स कर रहे हैं। वापस जा रहे हैं और जो लोग ऊपर जा रहे हैं ना उनके लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि सब लोग एट लास्ट सबकी एनर्जी जो है कम हो जा रही है और सब धीरे धीरे चल रहे हैं। दुर्ग एवं इंजन मंजराबाद, दुर्ग एवं इंजन डंजन, अच्छा आठ है देखे ना, आठ कोनों वाले सितारों के आकार में जो हम लोग ऐसे मार रहे थे। उसका नाम मंजराबाद सुंदर स्थान रखा। ये पान कम और क्या है, कोई स्वीट डिश है इतनी खाते हैं। ये इतना मांगने आ
आप जानते हैं कितना मांगने वाले लोग आते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को भी ऐसे भी तो वो तो बाहर रूम में सीते थे उस टाइम, तो वो लोग घर था छप्पर वाला बाहर रूम, याद है ना बाहर वहाँ पर इतना आते थे, अब ये अकेले यही रहते थे। 5 रुपए 5 पैसा 10 पैसा सब अल्मोनियम वाला रखा रहता था उस टाइम, सिक्का ऐसे वो सब खत्म हो जाता था, मगर उन लोग नहीं आना चाहता था उनका कहा चावल काबल फकीर न हम लोग के फकीर करके छोड़ देते। तो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोगाना फॉल और ये बहुत ही प्यारा इसका व्यू था। और एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे आए तो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से यहाँ पे ना हम कहीं एक जगह ले और बैठे, तो थोड़ा आगे जाना पड़ा। आगे जाके देखा तो थोड़ा सा जो रास्ता था ना वो थोड़ा सा स्टीप सा था और थोड़ा डेंजरस भी था, बट समहाउ फिर हमें ये पर्टिकुलर एरिया मिला जहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिला। तो फिर इधर इस साइड में आ गए तो यहाँ पे भी देखा कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और वो लोग भी पानी का मज़ा ले रहे थे, नहा रहे थे। बस हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह सेलेक्ट किया और उसके बाद तो फिर सब ने बहुत ऐश मौज किया यहाँ पे। तो शाने वसी तो बस यही वेट कर रहे थे कि बस कब पानी मिले और उसके बाद नहाए, तो बस वो शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। और बहुत सुंदर, बहुत पानी ठंडा भी बहुत ज़्यादा था पानी और फ्लो काफ़ी तेज़ था। तो जहाँ पर आए हुए हैं हम, पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत ही प्यारा व्यू है। आज सब हो नहाया हम लोगों ने और ये देखिए अब नहा कर हम लोग वापस जा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और रास्ता जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है। इधर स्ट्रेट है राइट साइड, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़े हैं और बीच पे रुके हैं ब्रेक के लिए। और मौसम का भी रुख बिल्कुल बदल चुका है, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं, चाय नाश्ता करेंगे और साथ में पेट्रोल के भी पूछ रहे थे कि पेट्रोल पंप कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा। तो पता चला कि 35 किलोमीटर और आगे जाने पे ही पेट्रोल पंप है। तो एनीवे समहाउ वहाँ तक हम पहुँचेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। और ये देखिए मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था, हर जगह पे कॉफ़ी प्लांटेशन और कोहरा, और नेचर का तो अपना एक अलग ही मज़ा है। आप नेचर के बीच में रहेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग सी फीलिंग होती है। तो कुछ देर यहाँ पे रहने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बैठो वहाँ पे, शिफ्ट कार्ज कर लो, बस चला लेगा, भी भींग जाएगा। तो थोड़ा सा भीगो ना, पूरा भींग जाओ। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कॉफी का है, ये इसे पकने में तैयार होने में 3 से 4 महीना और लगेगा।